खोलने दे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू ऑल आर गुड। अभी हम लोग हैं मदीना में और हम लोग आए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे, इसका नाम है अल ओसिया। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है बेसिकली। तो ये इसकी एंट्रेंस है और अभी हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। यहाँ से इसकी टिकट मिलेगी और पर पर्सन जो है 25 रियाल है, और जो आपको अपने साथ लेके आता है ज़्यारत के लिए तो उसकी कोई टिकट नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और इससे हम लोग टोटल 4 लोग थे जिसमें से एक जो थे वो हमें ज़्यारत करवा रहे थे, तो इस तरह। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ से अंदर एंटर हो गए हैं, टिकट हमने ले ली है। और ये इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है यहाँ पे सारी, ये देखें आपको सिटिंग एरिया नज़र आ रहा होगा। और अभी मैं आप लोगों को सारा इसका व्यू दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए इसकी राइट साइड पे काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ये स्विंग भी है और ये भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे हमने झूला ले लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और ये देखिए इसके सामने वाली जो है डिफरेंट टाइप के सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, ये वाला भी है और फिर ओपनली भी एक इन्होंने ये यहाँ साइड पर दूसरी चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ सामने से इसकी एंट्रेंस है जो बेसिकली मेन जगह, यहाँ से हम लोग एंटर होंगे। तो चलिए जी चलते हैं मेन एंट्रेंस पर। यहाँ अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने ना ये एक बोर्ड लगाया हुआ है और इसके ऊपर अरेबिक में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और जो भी जाए इसको मतलब आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें मर्जी, ठीक है। द होल यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और ये बड़ी प्यारी सी इन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है। तो चलें अंदर चलते हैं। हम लोग इसमें एंटर हो गए और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है, और इसकी मैं आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मतलब डिटेल में बताऊंगी सारी, ठीक है। और सबसे पहले ये राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये छोटी सी टैडी बकरी है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ये बहुत खूबसूरत है और इनकी हाइट भी बड़ी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं इनकी, मतलब हर पैरट की ब्रीड डिफरेंट है और उन्हें हर एक इंफॉर्मेशन साथ जो है ना इसकी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक दाना देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पैकेट होता है उसमें ये इनका दाना होता है, तो वो ये जो है ना आके ये फिर जो फिंचेस होती हैं जितने पैरट वगैरह होते हैं आपके आके ना हाथ पे बैठ के खाते हैं, तो ये वाला जो है ना इसने हमें बहुत तंग किया, ये जा नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है, ये देख ही जा रहा था ना, खुद खा रहा था ना किसी और को आने दे रहा था। वो ये सारी सामने फिंचेस बैठी हुई हैं, और अभी ये देखेंगे इसके हाथ पे आके ना मेरे भाई के हाथ पे आके सारी बैठना शुरू हो गई हैं। इनमें बस ये होता है आपने जाना है हाथ में दाना डाल के आपने हाथ आगे करना है, इवन कि अगर आपके पास दाना नहीं आप वैसे भी हाथ आगे करेंगे तो ये आपके आगे हाथ पे आके बैठती हैं और उसको खाती हैं। अच्छा, अभी ये सारी ना माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी हैं, ये मैंने वैसे कभी भी नहीं वैसे देखी हुई। और इसको देखें ज़रा, ये साहब जो है ना कोई स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं, और कैसे देखे चेक कर रहा है, देख रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखें इस ब्लैक वाले को तो पता नहीं क्या मसला है, हमारे पीछे ही पड़ गया हुआ था। तो ये जो है ना बड़ी माशाल्लाह प्यारी है, बहुत खूबसूरत है ये लोग। अच्छा, ये क्या होता है कि खाना ये दो, इसको कोई स्पेशल मसला, देखें खाएगा भी नहीं
ना ही कुछ करेगा, बस देखता जाएगा और जाएगा भी नहीं। मैंने भी डाला मेरी भी वीडियो में ना। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा व्यू देखेंगे, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें जो हैं परिंदे हैं, जानवर हैं, और मतलब बड़ी ही खूबसूरत, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत, हम बड़े हैं और हमें इतना मज़ा आया तो बच्चों को इतना मज़ा आएगा। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना सबसे मज़े की चीज़ थी, चीज़ ये है कि ये बेसिकली एक मतलब यहाँ पर 3 बकरियाँ छोटी छोटी सी, ये टैडी बकरियाँ, और इनकी हाइट सिर्फ इतनी ही रहती है, इससे भरी नहीं होती। और ये पता नहीं कितने साल पुरानी है, ये भी नहीं अंदाज़ा नहीं मुझे कोई खास, तो ये काफ़ी पुरानी और इनकी हाइट इतनी ही रहती है। अभी देखें ज़मीन पर छोटी छोटी सी फिंचेज़ हैं, फिर ये इन्होंने ब्रिज सा बनाया हुआ है, ब्रिज से हम लोग दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ सामने का, ये देखें बड़ा प्यारा सा व्यू बनाया हुआ है उन्होंने, बीच में सारे उनके छोटे से वो लकड़ी के घर से बनाए हुए हैं, और इस तरह से देखें बड़ा प्यारा उन्होंने ना सारा सेटअप बहुत खूबसूरत किया हुआ है। अब मैं अपना हाथ आई करती हूँ, देखती हूँ कि ये देखें ज़रा माशाल्लाह, देखिए सारी मेरे हाथ पे आके बैठ गई हैं खाने के लिए। लेकिन क्या बदतमीज़ है, ये काला वाला जो था ना वो मुझे फिर से तंग कर रहा था। ये देखें, अच्छा अब ये है कि मेरे हाथ पे खाना तो है, लेकिन वो उड़ती इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये खाना नहीं सिर्फ खाली, अब उनका वो जो होता है ना क्या वो छिलका सा रह गया बस, तो वो नहीं ये खाती, उनको समझ आ जाती है, तो इसलिए वो वापस उड़ गई हैं। तो यही सीन होता है, ये मतलब खाती हैं फिर उड़ जाती हैं जब छिलका रह जाता खाली। चेक करके जा रही हूँ, देखिए बारी बारी आ रही है कि इसने हाथ आगे किया हुआ है तो कुछ है खाने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा, बहुत बहुत अच्छी सी फीलिंग्स होती हैं आपकी जब इस तरह से जो आपके हाथ पे आके फिर जिस बैठ रही हैं, पैरेट आपके सर पे आके उनके बैठते हैं। अभी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, ये देखें ज़रा, ये हमें देखी जा रही है जो है, इसको तो कोई स्पेशल नहीं मसला है, ये बहुत बदतमीज है, ये वाला पीछे नहीं जोड़ रहा, ये इस साइड पे हैं बड़े वाले पैरेट मकाओ जिन्हें कहते हैं। और ये देखें ज़रा, अभी ये एक पकड़ के ना तो ये रखेगा मेरे भाई के हाथ पे, देखें इसका वज़न काफ़ी था, मैंने भी रखा था और मतलब अच्छा खासा वेट था इसका। चेक करें ज़रा, अब उसका मुआयना शुरू होगा, चलो उसको अपने पास करो, अपने ऐसे हाथ करेंगे ना ऊपर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला बिठाओ, इनके ऊपर भी रखेंगे, हाथ करो आगे आ जाएगा, ये पकड़ो, ये पकड़ो इस हाथ से, नहीं करता कुछ, ये हाथ करो आगे, हाथ करो आगे ना, नहीं वो तो कुछ मान का आ जाओ, वो ऐसे ही डराता है, वो मैं किसी भी कहता ये नहीं कुछ कहता, ये पाल दूंगा कुछ भी नहीं कहेगा। दूर से वीडियो बना मेरी, पिक्चर भी लो, पिक्चर भी फिर वापस जाओ, वापस जाओ, यू प्यारा वो भी प्यारा, वो वाला प्यारा, ये तो है वाला, वो वाइट वाले, हाँ वो है ना, वो दोनों वाइट, फुल वाइट, ये छोटे छोटे से पैरेट भी हैं यहाँ पे, इन्होंने केज में लिखे हुए हैं। अच्छा हर पैरेट की केज के बाहर उन्होंने उसकी डिटेल लिखी हुई है उसकी पिक्चर के साथ। और ये भी है, ये देखें ज़रा कितना प्यारा सा लग रहा है, क्यूटू, ये है मिस्टर रेड, फिर एक ये वाला है। अच्छा इनके नाम सॉरी इनकी ब्रीड और उनके बारे में उनकी डिटेल भी सारी लिखी हुई थी, इसको देखें ज़रा, इसका ज़रा ये देखें तमीज़ चेक करें, ये किस तरह से खा रहा है, पूरा हाथ में पकड़ के ना ज़रा
बहुत पतली ज़रा इसको तबीज दिखाई ये देखे थे बहुत प्यारा वैसे माशाल्लाह। अच्छा ये देखें इसका फिर एक व्यू, इन्होंने साइड पे ब्रिज बनाया हुआ है, एक वेल बनाया हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत सा सेटअप बनाया हुआ है सारा। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप लोग मदीना आए तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और फिर ये एक साइड है जहाँ भी सामने वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे वाले उन्होंने पैरट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बीच में रेनबो भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें मल्टी कलर का रेनबो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे भी मतलब ये भी उन्होंने साइड पर सेटअप किया हुआ है। ये तो ज़रा चेक करें यहाँ पे कौन आराम फरमा रहा है, उल्लू का पट्ठा आप लोगों ने सुना तो होगा, ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, देखें एक टांग पे अपनी, ज़रा गौर से अगर देखिए मैं कैमरा क्लोज करती हूँ, ये देखें एक टांग पे सोया हुआ है और आंखें खोल के कैसे देख रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा है रियल में, ग्रे मगा हो ऊपर भी है ना जाने का रास्ता, वो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, चले यहाँ से इनका ऊपर जाने का भी रास्ता है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऊपर भी थोड़ा बहुत सेटअप किया हुआ है। सो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर कैसी है। अब हम लोग जा रहे हैं उस ग्रे मकाओ के पास जो ऊपर से मैं सीटियाँ मार के छेड़ रहा था। आप लोगों ने सुना इसने सलाम ली बस उसने एक ही दफ़ा सलाम लेनी थी, वो उसने ले ली थी, अब वो पोज मारने में बहुत बिजी था। फोटो कैसे ये देखें ज़रा यहाँ पे ये झूले में बहुत बिजी है। और ये देखें ज़रा क्यूट सा, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, ये भी बहुत बिजी है। अच्छा फिर ये देखें ज़रा इनकी कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है, बहुत दही लाए थे या नहीं लाए थे। अच्छा इसके बाद ये ज़मीन पे भी कुछ चल रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखें ये तीनों बैठे हुए हैं, बड़ा प्यारा इन्होंने डिफरेंट टाइप का सेटअप किया हुआ है, ये देखें ये इन दोनों का ज़रा प्यार चेक करें, ये सो रहे हैं शायद दोनों, इनको कोई दुनिया की होश नहीं है।
ये साहब लाइट में बैठे हुए हैं। फिर देखिए, और ये तीन मेरी तीन दोस्तों की तरह थ्री इडियट्स। और फिर ये वाला है, ये भी बहुत क्यूट है। तो मतलब ये देखिए ना, डिफरेंट टाइप का अंदर बड़ा प्यारा सा सेटअप किया, और सारे ज़मीन पे भी चल रहे हैं, हाथों पे आके बैठ रहे हैं। ये देखो ज़रा, ये काम बिजी है। वो देखिए ज़रा ज़मीन पे किस तरह उन्होंने रश लगाया हुआ। देखिए क्यूटूस माशाल्लाह। और हाँ, तो नहीं तो वो नहीं है, वो मुझे इन्होंने पेट से में थोड़ा सा दाना दिया था। तो अच्छा, इन्होंने ना इनकी जो खुराक होती है उसको बड़ा कैलकुलेट किया होता है कि मतलब ये नहीं कि हम भी दे रहे हैं फिर वो खुद भी दे रहे हैं, बड़ा ओवर डोज जिस तरह हो जाता है उस तरह नहीं इन्होंने किया होता। इन्होंने बड़ी कैलकुलेट करके रखी होती है, थोड़ा सा बिल्कुल हम मतलब जो विजिटर्स होते हैं उनको देते हैं उस हिसाब से उन्होंने फिर इनको खाना डालना होता है। तो बड़ा ये कैलकुलेटेड सारा सीन होता है। और ये देखे जरा वो सर पे, देखे जरा मेरे भी सर पे आके बैठे हुए थे। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसी चीज़ का मज़ा है। और जो भी डरता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि मैं डरती नहीं थी इन चीज़ों से, मतलब ये ज़ाहिर है पहली दफ़ा ये इस तरह कोई पैरेट आके कोई इस तरह कुछ भी मतलब हो तो वो डर लगता है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे बिल्कुल नहीं डर लगा, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। अब ये देखिए ज़रा, इसको हम पकड़ने जा रहे हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ये टैटी। चले जी, यही इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि यही सारा कुछ है इसमें। और मैं आप लोगों को इसको 100% रिकमेंड करूँगी, आप जब भी मदीना है यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी जगह है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने लाइक एंड कॉमेंट अपना ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।